फ्रेंड्स, आज मैं बासुंदी बनाऊंगी। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, फर्थ में बनाइए या किसी भी फेस्टिवल पे बनाइए। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार है। आधा लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम वाला लिया है मैंने, और आधी कटोरी मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट लिए मैंने, आपके पास जो हो आप ले सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधी कटोरी से थोड़ी कम लेनी है चीनी, और थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बासुंदी बनाना। गैस ऑन करके दूध रख दिया है मैंने, इसे हिलाते रहेंगे जब तक ये बॉईल नहीं होता है। बॉईल हो गया है, देखिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे जिससे ये चिपके नहीं। देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है, अब दूध की क्वांटिटी भी कम हो रही है। अभी और इसे पकने देंगे थोड़ा और। देखिए दूध पहले से 3/4 हो चुका है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब हिला लेंगे, अब मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे, मिला लेंगे। देखिए बासुंदी तैयार है, गाढ़ी हो गई है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, अब हिलाएंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, सर्व करेंगे। आप चाहे तो गर्मा गर्म सर्व करिए या ठंडा करके सर्व करिए, अच्छी लगेगी। ये बासुंदी सर्व कर दी है, अब इसे गार्निशिंग करेंगे। पिस्ता से मैंने गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, बहुत अच्छी बनी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय।